तेरा बाप आया। हे दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप ट्रिपल रोल कैसे कर सकते हो, वो भी Adobe प्रीमियर प्रो में। तो दोस्तों, अपने अभी जो इंट्रो में प्ले हुआ, आपने जो देखा ट्रिपल रोल का वीडियो, तो दोस्तों अगर आप भी ये बनाना के लिए सीखना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें Adobe प्रीमियर प्रो ओपन करना होगा। तो चलिए हम अब Adobe प्रीमियर प्रो ओपन करते हैं। तो दोस्तों Adobe प्रीमियर प्रो ओपन करने के बाद आपको एक न्यू फाइल सेलेक्ट कर देना है। जैसे कि दोस्तों, आपने हमारा अभी जो ट्रिपल रोल का वीडियो देखा, तो दोस्तों हमें यही था। आपको फिर से एक बार इसे प्ले करके दिखा देता हूँ। तेरा बाप आया यहाँ से रेंडर करना होगा। तो दोस्तों मैं आपको ऐसे प्ले करके दिखा देता हूँ। तेरा बाप आया। तो दोस्तों, हमारी कुछ ऐसी वीडियो बनने वाली है। तो उसके लिए देखो दोस्तों, आपको क्या करना है, मैं आपको यहाँ फिर से टाइमलाइन पे आपको दिखा के दिखा देता। तो दोस्तों, उसके लिए आपको एक सिंपल सी वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर दी यहाँ। तो दोस्तों, आप यह देख सकते हैं मैंने किस तरह से वीडियो रिकॉर्ड कर दी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक ट्राइपॉड लेना होगा और ट्राइपॉड को आपको फिक्स कर देना है। और मैंने जैसे अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर दी, आपको वैसे रिकॉर्ड कर देना है। आप यह देख सकते हो, पहले गाड़ी के लेफ्ट साइड में खड़े होकर एक्टिंग कर देनी है, जैसे कि अभी ये कर रहा है। उसके बाद फिर से दूसरी तरफ जाकर आपको रिकॉर्डिंग करनी है, जैसे कि अभी राइट साइड में आकर खड़े हो गए और वहाँ वो एक्टिंग कर रहा है। उसके बाद हमें अभी फिर से बीच में आना है, और बीच में आने कर फिर से एक बार हमें एक्टिंग कर देनी है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं एक्टिंग कैसे कर रहा है, तो आपको भी वैसे ही कर देना है। और ये रिकॉर्ड हुई वीडियो आपको प्रीमियर प्रो में इम्पोर्ट कर देना है, जैसे कि अभी मैं यहाँ करने वाला हूँ। दोस्तों, जो रिकॉर्ड की हुई वीडियो आपको इसे इंपोर्ट कर देना है अपने टाइमलाइन पर, जैसे कि मैं अभी यहाँ कर रहा हूँ। मैं इसका ऑडियो इसका रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि ऑडियो की हमें ज़रूरत नहीं है। तो आप यह देख सकते हैं हमारी ये वीडियो ऐसे हमने लगा कर रख दी। और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अभी इसे कट करने वाले हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं हमारा लेफ्ट साइड का शूटिंग यहाँ तक है, तो हम यहाँ इसे कट लगाने वाले। तो अभी यहाँ से कट लगाते, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये बीच वाला पार्ट हमारे काम का नहीं है, तो हम अभी यहाँ से इसे कट लगा देते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, जहाँ से एक्टिंग करना शुरू कर देता है वहाँ से आपको यहाँ कट लगाना है, और बीच वाला पार्ट आपको इसे डिलीट कर देना है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो एक्टिंग करा है वहाँ तक उसे रख देना है। आप यहाँ देख सकते यहाँ तक है, तो इसके बाद आगे वाला पार्ट आपको कट कर देना है। मैं यहाँ से सी सेलेक्ट करके इसे कट कर देता हूँ। और इसके बाद वो बीच वाला जो था, बीच वाला जो है आपको वहाँ तक उसे रख देना है। तो मैं अभी यहाँ से कट लेता हूँ और यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो दोस्तों, तो अभी हमारे पास 3 लेयर्स हो चुके। तो हमें अभी एक के ऊपर एक 3 लेयर्स हमें लगाने हुए। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो आप यह देख सकते हैं, अभी जो सबसे लंबा वाला वीडियो तो हमारा यही है, तो हम इसे सबसे नीचे वाले लेयर पर रखने वाले, तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे। और उसके बाद हम अभी क्या करने वाले, जो राइट साइड में जो शूटिंग, अभी ये राइट साइड वाला वीडियो है, राइट साइड में खड़ा होकर शूटिंग है। अब लेफ्ट साइड वाली वीडियो हम इसके ऊपर लगाने वाले, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, हम यहाँ से इसे लगा देते।
हम यहाँ तक इसका पार्ट ट्रिम कर देते और इसका स्पीड ड्यूरेशन हम कम कर देते जिससे कि वो इस नीचे वाली वीडियो के साथ वो मैच हो जाए। हम इसका स्पीड ड्यूरेशन 60% कर देते तो अभी आप यह देख सकते वीडियो अभी हो गई। तो उसके बाद हमें दोस्तों अभी क्या करना है, अब जो ये वाली लेयर है तो आप यह देख सकते हैं दोस्तों, जो हमने अभी इसके ऊपर लेयर लगाने के बाद नीचे वाली लेयर हाइड हो चुके है। आप यह देख सकते हैं, मैं इसे अब अनहाइड करके दिखा देता हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो ऊपर वाली लेयर है हमें इसे क्रॉप करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस लेयर को सिलेक्ट कर देना है और इफेक्ट कंट्रोल में आना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, अभी इसका ओपेसिटी तो उस पर आना है हमें और इसे सिंपली क्रॉप कर देना है। ड्रॉपर क्लिक करने के बाद हम क्या करना है, अभी मास्क पाथ को हम एनिमेशन करने वाले। तो जैसे आप याद देख रहे हैं दोस्तों, हमें मास्क पाथ एनिमेशन की फ्रेम अनेबल कर देना है। जैसे हम अनेबल करते हैं वैसे आप यहाँ देख सकते हैं एक की फ्रेम यहाँ आ चुका है। और उसके बाद हमें अभी पूरे इसके जितना हमारा काम का है हम उतना ही इसमें लेने वाले। तो अभी आप यह देख सकते हैं हमारी वीडियो यहाँ से शुरू होते ही तो हम यहाँ थे और यहाँ से हम शूट मास्क ड्रॉ करने के लिए शुरू कर देते हैं। इस पर क्लिक करते आपको यहाँ से सर्कल सिलेक्ट कर देना है और अब आपको आपके हिसाब से सिलेक्ट कर देना है जहाँ तक इसका एक्सट्रीम डायमेंशन है वहाँ तक। तो जैसे कि आप यह देख पा रहे हो दोस्तों, तो आप यह देख सकते हैं, हम वीडियो प्ले करके देखते हैं इसका हाथ को और कोई बाहर तो नहीं जा रहा। तो आप यह देख सकते सब सही से हो चुका है। उसके बाद हम अभी क्या करने वाले, अभी तीसरी लेयर को हमें इसके ऊपर लेने वाले। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो दोस्तों, हमारा डबल रोल हो चुका है। अभी इसको हम एडजस्ट करने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, हम यहाँ से इसका फीदर भी एडजस्ट कर सकते हैं। 20% कर देता हूँ और मास्क ओपेसिटी वैसे उतने रहने देता हूँ। और जो तीसरा लेयर था हम इसको अभी तीसरा लेयर को हम सिलेक्ट करने वाले हैं, इसके ऊपर फिर से लेने वाले। तो आप यह देख सकते हैं अभी तीसरा लेयर ऊपर आ चुका है और हमें तीसरे लेयर को अभी सिलेक्ट करने वाले। तो अभी आप यह देख सकते हैं दोस्तों, हम तीसरा लेयर बीच में यहाँ लगा देते हैं और उसके बाद इस तीसरी लेयर को सिलेक्ट करते हैं। अभी फिर से एक बार इफेक्ट कंट्रोल में आते हैं और उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे तो दोस्तों आप यह देख सकते हैं हमारा अभी मास्क सिलेक्शन अभी कंप्लीट हो चुका है। अभी हम जो बीच वाला जो हमने जो फाइल बना दिया था हम अभी इसे रेंडर करने वाले। तो दोस्तों आप यह देख सकते हैं हमारी फाइल रेंडर होके कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं भाई, हम इसके बाद हम इसको अभी साउंड देने वाले। तो मतलब हमारे पास जो पहले से साउंड है हम अभी इसे यही लगाने वाले। तो
तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं जहाँ से डायलॉग शुरू होता है, मैं अभी हम वहाँ उसकी थर्ड कैरेक्टर की हम एंट्री करने वाले। तो अभी यहाँ एक और हमें फ्लिप का इफेक्ट डालना अभी बाकी रहेगा है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं हमने पहले से अभी एक यहाँ फ्लिकर इफेक्ट हमने यहाँ डाल दिया था, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो तो हम रेड वाला फ्लिकर इफेक्ट डाल दिया। तो हमें अभी सिंपली इसे ही कॉपी करने वाले, अल्ट दबा के हमें अभी इसे यहाँ पेस्ट कर देते और थोड़ा यहाँ लगाते। और इसका जो कलर है फ्लिकर इफेक्ट का, हम यहाँ से इसे वाइट और ब्लैक जो भी हम चाहिए हमें अपने हिसाब से हम यहाँ रख सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, अभी हम इसे रेंडर करके दिखा देते हैं आपको कैसे दिख रहे हो। तेरा बाप आया, तेरा बाप आया। तो दोस्तों आप ये जो हमारी थी पुराने वाली वीडियो थी, नई वाली यहाँ है। तो हम यहाँ से अभी इसे प्ले कर, तेरा बाप आया। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, इसके बाद हमें इसे कट कर देना, जो आखिरी वाला पार्ट है वो एक्स्ट्रा रह गया था। तो हमें अभी इसे प्ले कर के दिखते, तेरा बाप आया। हम अभी सिंपली इसे क्लिक कर देते हैं इन और आउट, और हम इसे ही सिर्फ एक्सपोर्ट कर देते मीडिया। हम इसका फाइल का नाम लिख देते हैं ट्रिपल रोल, और इसको सेव कर देते हैं हमारे ट्रिपल रोल फोल्डर वाले में, और इसको ओके कर देते हैं और हम इसे एक्सपोर्ट कर देते। तो हमारा एक्सपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं हमने जो भी वीडियो बना दी थी और एंड हो चुके, हम इसे प्ले करके देखते हैं अभी। तेरा बाप आया, तो दोस्तों हमारी वीडियो रेंडर होके कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई थी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय। तेरा बाप आया।